मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। वानी मंडल की सिद्धापुर भूमिनी गुट्टा तांडा पैटिमल देहातनी ने खास अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम में असेंबली स्पीकर मोचराम निवास अड्डी की शिरकत। कांग्रेस की बनावटी बातों में आकर धोखा ना खाए वेलपुर मंडल के बच्चना नड़कुड़ा कुटपल्ली देहात में इंतखाबी मुहिम का बालकुंडा लखे के मेले उम्मीदवार रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया आगाज। मंडल से मुतल्लिका देहात में दरपेश मसाइल को यकीनी तौर पर हल करेंगे। आर्मी में मुख्तलिफ बिरादरी तबके से वाबस्ता संगमों के अराकीन ने एमएलए जीवन रेड्डी से की मुलाकात। शहनिजामबाद में होने वाली तरक्की का मुशाहदा कर अवाम बोडे शहर के विनायक नगर के एक फंक्शन हॉल में मुनाकिदा मनोरका वो खसूसी मुलाकात प्रोग्राम थे। अर्बन हल्के के मेरे उम्मीदवार बीकाला गणेश गुप्ता का खिताब। खवातीन तहफात को फिलपुर रूबी अमल में लाने के लिए भारत जागृति की जानब से फिर दोबारा जदोजहद करने का एमएलसी के कविता ने किया इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानब। तेलंगाना रियासत तरक्की व बहबूद के मामले में मुल्क के लिए एक मिसाल बनने का अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के विनायका मनोरकापुर संगम में सात मनोरकापुर संगम के अराकिन की जानब से खसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि शहर निजामाबाद में हर एक मनोरकापुर संगम के लिए कम्युनिटी हॉल की तामील के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है और मनोरकापुर से ताल्लुक रखने वालों को सियासी तौर पर दीगर ओहदों पर फायज किया गया। इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत में तेलंगाना रियासत तरक्की और बहबूद के मामले में मुल्क के लिए एक मिसाल बन गई है। हमने इस तरह तरक्की हासिल की है जिस तरह तेलंगाना रियासत के लिए तहरीक चलाई गई। निजामाबाद की तरक्की के हिस्से के तौर पर हमने हर गली में नकासी की सड़कें तामीर की है। रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि हम ने जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जेर जमीन निकासी आप की तामीर की है। जदीद सहूलियात से वाबस्ता वाईकुंटा दमम की तामीर की है और शहनिजामाबाद में मुखीम बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत की फ्राहमी अमल में लाने के लिए आईटी हब की तामीर अमल में लाकर सॉफ्टवेयर मुलाजिमत देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियाँ नीतू किरण शेखर साबिका मियाँ राकुला सुजाता सुद्दम रविचंद्र कॉप्शन मेंबर डी साइलू कॉर्पोरेटर राकुला हेमलता श्रीनिवास और दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद ब्रह्मांडमैनटुवंटि रोड्लु सेंटर मीडियन्लु चेट्लु లైట్లు ఫౌంటైన్లు పిల్లా బాబాలతో నడికన పోవాలంటే నిజామాబాద్లో సినిమా హోటల్ తప్ప ఇంకోటి లేకుండే. అట్లాంటిది మనం మినీ ట్యాంక్మెంట్ కట్టినాం. మినీ ట్యాంక్మెంట్ అందంగా చాలా అందంగా ఉంది. మన ఏదైతే రఘునాథ చెరువు ఉందో ఆ కట్టపొంటి మనం బాగా డెకరేట్ చేసినాం. అందరూ పోయి చూడాలి. असेंबली इंतखाबात के लिए मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से जिले सदर एमबीटी जहीरुद्दीन जावेद उर्फ नराई जावेद को बीफॉर्म किया हवाले। आज मजलिस बचाओ तहरीक ने निजामाबाद हल्के असेंबली के लिए अपने हल्के उम्मीदवार का ऐलान करते हुए जिले सदर एमबीटी जहीरुद्दीन जावेद को बीफॉर्म हवाले किया। इस मौके पर सदर मजलिस बचाओ तहरीक माजिदुल्लाह खान फरहत जनाब अमजदुल्लाह खान सैयद मुस्तफ़ा महमूद जनरल सेक्रेटरी व दीगर इनके हमराह मौजूद थे। बादजा इनके शहर में आमद पर नौजवानों की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल अमल में लाया गया। सीएम केसीआर की क़यादत में रियासत हिंदुस्तान में नंबर वन वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का कामरडी में मुनाकिदा जलसे आम से खिताब।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क्यादत में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में नंबर वन रियासत बनकर उभरी है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यहाँ मुसलमानों के जलसे से खिताब करते हुए कहा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर इख्तदार में तरक्याती काम ठप होकर रह गया और कांग्रेस अपने दौर इख्तदार में बीजेपी को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। इन्होंने वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी पर आरएसएस की नज़रियात पर चलने और फिरका परस्त ज़हनियत रखने का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा कि कामारेड्डी से रेवंत रेड्डी का इंतखाबात में हिस्सा लेने का मकसद अपनी पब्लिसिटी करवाना और बीजेपी उम्मीदवार को फ़ायदा पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्होंने के चंद्रशेखर राव को मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के काम अंजाम देने वाला कायद करार दिया और कहा कि मुसलमानों को तरक्की याफ्ता बनाने, इन्हें जेवर तालीम से आरास्ता करने, मुसलमानों को सतह गुरबत से ऊँचा उठाने के लिए अपने आप को वक्फ कर देने वाला कायद करार दिया। केसीआर साहब कैसे महान लीडर है सारे हिंदुस्तान में। केसीआर साहब नंबर वन चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने तेलंगाना के आवाम के लिए 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनाई थी। तेलंगाना में हुकूमत हमारी रहेगी। मैं हमारे बहनों से भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में कोई दूसरे की हुकूमत चल सकती क्या? अकेले में नहीं चल सकती। मेरे घर में मेरी हुकूमत चलेगी। हमें ले जाकर आंध्र से मिला दिया। रेवंत रेड्डी नंबर वन का फिरकापरस्त लीडर। आप पूछिए, उनसे पूछिए कांग्रेस में आने के बाद फिरकापरस्ती का मुजाहरा किस तरह चल रहा था। तेलंगाना मॉडल मुल्क के लिए रहनुमा केसीआर की कुमरानी मिसाली। बदकमा साड़ियों पर कांग्रेस को सियासत करने पर खवातीन सबक सिखाएंगी। सोलापुर टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंतजमीन का कारकुनान से एमएलसी के कविता की बातचीत। बीआरएस रुकन खानों साज कौंसिल के कविता ने वाजह किया कि तेलंगाना मॉडल मुल्क के लिए रहनुमाई कर रहा है और चीफ मिनिस्टर केसीआर हुकूमत मुल्क के लिए मिसाली है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर हैंडलूम वर्कर्स की फलाह व बहबूद के लिए मुल्क में कहीं अमल में ना होने वाले सबसे ज़्यादा प्रोग्रामों पर अमल कर रहे हैं। इन्होंने राय दही कि तेलंगाना तरक्याती मॉडल महाराष्ट्र में बाफिंदों के मसायब और मुश्किल का वाहिद हल है। के कविता जिन्होंने बदकमा त्यौहार के हिस्से के तौर पर हाल ही में सोलापुर में मलबूसात की सनतों का दौरा किया और इनके मुंतजमीन और कारकुनों से बातचीत की। इन्होंने इस बातचीत का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर जारी किया। लावाजी इन्होंने कविता को तवज्जो दिलाई कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बमशमूल दीगर सनतों के लिए पानी और बर्खी की खलत बहुत शदीद है और बर्खी के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है। इनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत पार्चों और हैंडलूम सनतकारों वर्कर्स के साथ खड़े रहकर इन फलाह व बहबूद के लिए मुल्क भर में अमल ना किए जाने वाले प्रोग्रामों में चीफ मिनिस्टर अमल करने की सताइश की। इस मौके पर कविता ने इनसे बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना में पावर लूम सनत के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर रियासती टेक्सटाइल महकमे के वजीर के टी आर कई एक सब्सिडी को फ्राहम कर रहे हैं। रियासत में सनतों के लिए 10% पानी मुख्तस किया गया है जिसके नतीजे में सनतों के लिए दरकार पानी हासिल हो रहा है। इन्होंने कहा कि सनतों के लिए पानी और बर्खी की खलत ना होने देने चीफ मिनिस्टर केसीआर की दूरंदेशी से कई एक असलाहत लाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इन इकदाम के बाईस सनतों को चलाने वालों के अलावा इसमें काम करने वाले मजदूरों मुलाजमीन को भी फ़ायदा हासिल हो रहा है और नए रोज़गार के मौके पैदा किए गए हैं। इन्होंने कहा कि बीड़ी वर्कर्स के लिए वज़ायफ की फ्राहमी को मुतारफ करने वाली पहली रियासत तेलंगाना है और चीफ मिनिस्टर केसीआर बसारत का सबूत है। इन्होंने कहा कि बदकमा साड़ियों पर सियासत करने वाली कांग्रेस पार्टी को ख़वातीन सबक सिखाएंगे। इंतखाबी अखराजात से मुतालिक मामलात पर मुबसरीन से शिकायत की जा सकती है जिला इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर निज़ामाबाद। ज़िले इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो ने मशवरा दिया कि इंतखाबी अखराजात के मामलात में अवामी नुमाइंदे जमातें और उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात की जांच करने वालों से शिकायत कर सकते हैं। इस मौके पर कलेक्टर ने ज़िले के पहुंचने वाले इंतखाबी मुबसरीन की तफसीलात से आगाह किया। पाटिल चन्मे प्रभाकर ज़िले में निज़ामाबाद अर्बन और निज़ामाबाद दही क़ानून साज असम्बली हल्कों के इंतखाबी अखराजात के मुबसर हैं। इंतखाबी अखराजात से मुतालिक उमूर पर शिकायत करने इनके फ़ोन नंबर 8332021903 पर रब्त किया जा सकता है और हर दिन शाम 4 बजे तक 5 बजे RNP गेस्ट हाउस निज़ामाबाद में अवामी मुलाकात के लिए दस्तियाब रहने का मशवरा दिया। अलावाजी ज़िले के बालकुंडा और आलमली हल्के के लिए इंतखाबी अखराजात के मुबसर
इस शक्ति के सेल नंबर 8332022809 पर शिकायत की जा सकती है। SRSP गेस्ट हाउस पर मुकर्रा वक्त पर इनसे मुलाकात की जा सकती है। इसी तरह बांसवाड़ा और बोधन असम्बली हलके के अखराज मुबसर तानिया सिंह को सेल नंबर 8333021892 पर फ़ोन करने या इरीगेशन गेस्ट हाउस बोधन पर शाम 4 बजे तक 5 बजे के दरमियान मुलाकात करते हुए शिकायत करने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि अखराजात के मुबसरीन का पहले मरहले का दौरा 5 नवंबर तक रहेगा, दूसरे मरहले का दौरा 9 नवंबर से रायदही की तकमील तक होगा। CM KCR की जमहूरी हुकुमरानी और रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर भीमगल व वेलपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले BJP व कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। वेलपुर मंडल के मुकाम पर BRS पार्टी के उम्मीदवार विमला प्रशांत रेड्डी के ज़ेर-ए-एहतमाम भीमगल मंडल व वेलपुर मंडल के पचला नड़कुरा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BJP व कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने BRS पार्टी का गुलाबी कंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में किए गए तरक्याती कामों फलाई स्कीमत के अलावा मंडल से मुतालिका मौजूद की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल किया, जिससे मुकामी अवाम BRS हुकूमत से काफ़ी मुतमईन है। वो रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की जानिब से शुरू किए गए फलाई स्कीमात के तहत बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम को फैजियाब किए जाने से मुल्क भर में रियासत तेलंगाना को एक अलहदा शनाख्त हासिल हुई है। गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान तेलंगाना हुकूमत तरक्की की सिमत गामजन है। इन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत के दौर इख्तदार में न सिर्फ अवाम बल्कि किसान काफ़ी परेशान थे, ताहम TRS हुकूमत के इख्तदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर-ए-आला की जानिब से अवाम की तरक्की और किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए नाफिज करदा फलाई स्कीमात के बेहतरीन नतज हासिल हो रहे हैं और कहा कि आइंदा मुनद होने वाले असम्बली इंतबात में BRS पार्टी के इंतबी निशान कार को वोट देकर BRS पार्टी के उम्मीदवार रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए हर कायदीन व कारकुनान की जानब से सख्त मेहनत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुतल मौजूद के सरपंचों के अलावा MPTC अवामी नुमाइंदे कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। ज़िले कामरेड्डी पिटला मंडल के मुख्तलिफ मौजूद में ML उम्मीदवार हनुमान शिंदे ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई। ज़िले कामरेड्डी पिटला मंडल के मुकाम पर वाक़ तिम्मा नगर मराडंडा कुंभापुरम देहात में ML उम्मीदवार हनुमान शिंदे ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को तेलंगाना हुकूमत इख्तदार में रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की क़ियादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात व तरक्याती कामों के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की कामयाब दूरंदेशी की वजह से रियासत तेलंगाना में सिर्फ 9 साल के दौर इख्तदार में कई तरक् कामों को तेज रफ्तार के साथ पाए तकमील पर पहुंचाया गया और अवाम की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ करदा फलाई स्कीमात के बेहतरीन नताज हासिल हुए हैं, जिनमें कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के अलावा गरीब अवाम के मसाइल की इक्सी के लिए आसरा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन व दीगर मुस्तक को हर माह पाबंदी के साथ पेंशन देने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए CM KCR की जानिब से कई मुनफरद स्कीमात को रूबे अमल में लाने के साथ साथ रैतु बंधु रैतु बीमा जैसी स्कीमात के तहत किसानों को फ़ायदा पहुंचाया गया है और इसके अलावा किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी फ्राहम की जा रही है। रियासत के हर शोबे में तरक्की दी जा रही है। इन्होंने कहा कि इंतखाबात में 5 साल में एक मरतबा होते हैं, लिहाजा अवाम सोच समझ कर काम करने वाली पार्टी के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करते हुए BRS पार्टी के उम्मीदवार हनुमान शिंदे को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की मुकामी अवाम से ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। नगर ग्रामस्थुलु మీ గ్రామం ఎట్లా ఉండే ఎట్లా అయింది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఈ రోడ్డు మార్గంలో అటు నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గం ప్రజలు పిట్లం బాన్స్వాడకు వస్తూ పోతూ ఉంటారు. వారి సౌకర్యార్థం మొట్టమొదటిసారిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారి ఆశీర్వాదంతో తిమ్మానగర్ వరకు మధ్యల చెరు నుండి డబుల్ రోడ్ చేసుకున్నాం. ఈ రోడ్ మీద 2 బ్రిడ్జిలు లేకపోతే ఆ 2 బ్రిడ్జిలు కూడా నిర్మాణం చేసుకుంటా ఉన్నాం. అంతే కాకుండా మీ గ్రామానికి
माकलन मंडल के उडियाटपल्ली देहात में अंबेडकर यूथ के अराकी ने बीआरएस पार्टी को तायद फ्राहम करते हुए आरमल हल्के के उम्मीदवार जीवन रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। माकलन मंडल के उडियाटपल्ली देहात में अंबेडकर यूथ से वाबस्ता अराकी ने आइंदा मुनाकिद होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हुए आरमल हल्के के उम्मीदवार जीवन रेड्डी की क्यादत में बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने वालों का पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए खैरमकदम किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तदार बनाने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की क्यादत में वज़ीरे बीआरएस सदर आर्म रुकन असम्बली पीओसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की काविशों के सबब मंडल से मुतालिक देहात में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया है और अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत सीसी रोड ड्रेनेज के अलावा कंपोस्ट शीट की तामीर अमल में लाई गई है और इसके अलावा मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद को मियारी इलाज और मुआलजे की फराहमी अमल में लाने के लिए सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत हॉस्पिटल में दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के लिए रकम इमदाद हवाले की गई। केसीआर हुकूमत के दौर इख्तदार में सीएम केसीआर बिला लिहाज मजहब मिलत तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए कोशा हैं। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में अब तक रोबे अमल में लाई गई फलाह स्कीमात की मुल्क की किसी भी रियासतों में नजीर नहीं मिलती। इन्होंने मजीद कहा कि आने वाले इंतखाबात में आर्मल हल्के के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए आज मुतफिका तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाते हुए बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार जीवन रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। जिले निर्मल वासन मंडल के मुकाम पर वाकई मुदुल हल्के एमएलए उम्मीदवार विठल रेड्डी की हिमायत में बीआरएस पार्टी के कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम अमल में लाई। ज़िले निर्मल वासन मंडल के मुकाम पर वाकई मुदुल हल्के के एमएलए उम्मीदवार विठल रेड्डी की तायद में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने मंडल से मुतालिका मौजूदात में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को बीआरएस हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा फलाह स्कीमात व तरक्याती कामों के अलावा हाल ही में रियासती वज़ीर आला कलवाकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत अवामी हुकूमत कालेश्वरम के जरिए किसानों को ज़राई के लिए पानी की फ्राहमी और 24 घंटे मुफ्त बरखी व सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों की शादी को आसान बनाने के लिए सीएम केसीआर ने कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ किया, जिसके तहत हर एक मुस्तहिक लड़की की शादी के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 1,116 रुपये रकमी इमदाद दी जा रही है और अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा फलाह स्कीमात के समराज से हर एक घर को मुस्तफ़ीद किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरद स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नजीर नहीं मिलती। वो इन्होंने मुकामी अवाम को आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान को वोट देकर मुदुल हल्के के एमएलए उम्मीदवार विठल रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मंडल से मुतालिक मौजूदात के सरपंचों के अलावा एमपीटीसी सीनियर कायदीन कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। आर्मल मंडल के दिगाम देहात में इंतखाबी मुहिम का इनेकात अमल में लाने के तहत दीगर अवामी नुमाइंदों व कायदीन ने बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी से की मुलाकात। आर्मल मंडल के दिगाम देहात में इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाने के तहत दीगर अवामी नुमाइंदों बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने आर्मल हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने दिगाम देहात के मुख्तलिफ बिरादरी तबके से वाबस्ता संगमों के अराकिन व कायदीन से बात करते हुए आने वाले इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर तायद फ्राहम करने की ख्वाहिश की। बात अजा इन्होंने देहात में दरपेश मिसाइल को हल करने के ताल्लुक से तय खुन दिया। इस मौके पर मौजे के अवाम ने कहा कि गुज़िश्ता देहात में कई बिरादरी तबके से वाबस्ता संगम को मरहलेवार तरीक़ेकार के तहत फंडस की मंजूरी अमल में लाने वाले जीवन रेड्डी को भरपूर हिमायत फ्राहम करने का इजहार किया। इस मौके पर सरपंच एमपीटीसी टीआरएस पार्टी के कायदीन कारकुनान व दीगर मौजूद थे। आर्मल शहर के एलआईसी भवन में एलआईसी मुलाजमीन की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए खसूसी मुलाकात प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने की शिरकत। आर्मल शहर में वाक़ एलआईसी भवन में एलआईसी मुलाजमीन की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए खसूसी मुलाकात प्रोग्राम में आर्मल हल्के के मेले उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर एलआईसी मुलाजमीन की जानिब से हल्के आर्मल के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को शानदार पैमाने पर तहनियत अमल में लाई गई। बातजा एमएलए ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम अवाम की जिंदगियों को
बीमा के तहत भरोसे की फ्राहमी अमल में लाने वाले एलआईसी मुलाजमीन को इमारत देकर तहफ़ फ्राहम किया गया। वो आने वाले इंतखाबात में कार के इंतखाबी निशान को वोट देकर आपके चहेते कायद बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन, काउंसलर एलआईसी मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। దేవుడు జన్మనిస్తే డాక్టర్ పునర్జన్మనిస్తాడు, మీరేమో ఆ కుటుంబాలకు రక్షణిస్తారు మీ పాలసీ గారు. అంటే బతుకున్నప్పుడు అందరు వస్తారు అందరు పోతారు, కానీ ఆ కుటుంబాన ఆపదలో ఉన్నప్పుడు అంతకుముందు వాళ్ళకి పాలసీలు వేయించి ఆ పాలసీలు ఆపదలో ఆదుకునే అతి నమ్మకమైన సంస్థ మన ఎల్ఐసి సంస్థ అని చెప్పేసి అన్నారు. खवातीन तहफ़ुज़ात को फिलफुर रूबे अमल में लाने के लिए भारत जागरूकता की जानिब से जद्दोजहद के अलावा क़ानूनी माहरीन की सलाह व मशवरे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद करने का एमएससी के कविता ने किया इजहार। महिला रिजर्वेशन एक्ट ऑफ फिलफुर रूबे अमल में लाने के लिए भारत जागरूकता की जानिब से जद्दोजहद करने के लिए क़ानूनी माहरीन से मशावरत करते हुए क़ानूनी माहरीन की सलाह व मशवरे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा पिटीशन को फौरी तौर पर अमल दरामद करने के लिए इस तंजीम के सदर एमएलसी के कविता ने ऐलान किया और कहा कि खवातीन रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद करते हुए हासिल किया वो इसे फेल फोर रूबे अमल में लाने के लिए फिर दोबारा जद्दोजहद करने के लिए तैयार रहने का बयान दिया। इन्होंने महिला रिजर्वेशन एक्ट को फेल फोर रूबे अमल में लाने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों व तंजीम की जानिब से मुतालबा करने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई कि कविता ने कहा कि फ़िलहाल इस मौजू पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहकीकात अमल में लाने के पेश नज़र भारत जागरूकता की जानिब से कानूनी कार्रवाई करने का इजहार किया। बांसवाड़ हलके के मुख्तलिफ मौजूदात में बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाते हुए मुकामी अवाम से भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ख्वाहिश। बांसवाड़ा हलके के मुख्तलिफ मौजूदात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाने के तहत वर्नी मंडल के सिद्धापुर, भीमुनी गुत्ता टांडा, चिंतलपेट, पैडीमल देहात में वाक़ हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को केसीआर हुकूमत के दौर इक्तदार में किए गए तरक्याती कामों फलाह इस्कीमात के अलावा सीएम केसीआर की जानिब से इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाते हुए कहा कि साबिका हुकूमत के इक्तदार में ना होने वाली तरक्की केसीआर हुकूमत के दौर इक्तदार में फायद होने के बाद कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया और हलके से मुतालिक मसाइल के हल के अलावा बेघर अवाम को डबल बेडरूम मकानात की फ्राहमी अमल में लाने के साथ साथ केसीआर हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाही स्कीमात के समराज से तमाम तबकात के अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZPTC हरिदासू, सरपंच के दशरत, भारत नायक व दीगर ने शिरकत की। దీని ప్రకారంగా 100కి 100% ఇచ్చినటువంటి హామీలు అమలు చేస్తామని చెప్పేసి కూడా మీకు మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఎంతమంది అయితే భూమి మునిగిందో చల్ల వారికి ఎంత భూమి ఉంది అంత భూమి ఇక్కడ ఇప్పించే ఏర్పాటు తప్పనిసరిగా చేస్తానని చెప్పేసి కూడా మీకు మనం చేసుకుంటాం. పోయినసారి కూలి కంటే ఇప్పుడు ఈ కూలి ఎక్కువ చేశాను, ఎక్కువ రోజులు పనిచేశాను, ఎక్కువ సమయం పనిచేశాను. కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ కూలి కూడా ఎక్కువనివ్వాలి, మంచి మెజార్టీ ఇవ్వాలి. గ్రామం నుంచి ఎనకటి నుంచి పిరుపుట్టకంట ముందు నుంచి ఈ గ్రామంతో సంబంధం ఉన్నాయి. వెల్బర్ మండల్ కే వాడి నడకుడ కొత్తపల్లి దిహాత్ మే బిఆర్ఎస్ పార్టీ కే ఉమ్మీద్వార్ వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి నే ఇంతఖాబీ ముహిమ్ కి తశ్రీర్ అమల్ మే లాయి. వెల్బర్ మండల్ కే ముఖ్తలిఫ్ మౌజూఆత్ మే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి నే ఇంతఖాబీ ముహిమ్ కి తశ్రీర్ అమల్ మే లానే కే తహత్ పైదల్ దౌరా కర్తే హువే హర్ ఏక్ ఘర్ సే రుజూ హోకర్ ముఖామి అవామ్ కో కేసీఆర్ హుకూమత్ కే ఇఖ్తిదార్ పర్ ఆనే కే बाद नाफिज करदा फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों के अलावा इंतखाबात के मद्देनज़र सीएम केसीआर के जारी किए गए इंतखाबी मंशूर के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए कहा कि गुज़िश्ता कांग्रेस के 70 साल दौर इकतदार में तरक्की ना के बराबर थी, लेकिन अब बीआरएस हुकूमत के इकतदार पर आने के बाद 8,000 करोड़ फंड से वालकुंडा हल्के में कई तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया और कहा कि आने वाले इंतखाबात में मुकामी अवाम फिर दोबारा फतेह दिलाने की सूरत में हल्के के लिए मजीद तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया। एन कल सदर्भा आशीर्वाद इतने प्रेम आदर चूच्चो अंतटे इंका सारी प्रेम आदर चूंकि इकड़की నన్ను ఆశీర్వదించినటువంటి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.
మీ ఆశీర్వాదంతో 9 సంవత్సరాలుగా మీకు సేవ చేసే భాగ్యం నాకు కలిగింది. ఆ భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన శక్తి మేరకు కేసీఆర్ గారి దయవల్ల ఈ బత్తలనాయుడు గ్రామంలో దాదాపు అన్ని పనులు కూడా పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. आर्मी मंडल के फतेहपुर देहात में बीआरएस एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के शरीक हयात रजिता रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया. आर्मी मंडल के फतेहपुर व मुख्तलिफ मौजूदात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार जीवन रेड्डी के शरीक हयात रजिता रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया. इस मौके पर इन्होंने मंडल से मुतालिका मौजूदात में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को बीआरएस हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा फलाही स्कीमात व तरक्याती कामों के ताल्लुक से वाकिफ करवाते हुए आने वाले असेंबल इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर आपके चहेते ख्वाहिश आर्मर हलके के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की मुकामी अवाम से ख्वाहिश की. इस प्रोग्राम में मौजे के सरपंच लक्ष्मी लिम्बादरी एमपीटीसी बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन करकुनान व दीगर ने शिरकत की. नंदीपेट मंडल के खुदावंतपुर देहात में इनेकाद अमल में लाए गए मुफ्त तिब्बी कैंप को मजबूत रद्दमल हासिल होने का हॉस्पिटल एमडी कैफ ने किया इजहार. नंदीपेट मंडल के खुदावंतपुर देहात में शैलजा हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए मुफ्त तिब्बी कैंप में खवातीन को बीपी शुगर व खून का मुआयना किया गया. इस मौके पर हामिला खवातीन को सेहत के ताल्लुक से लिए जाने वाले एहतियाती इकदाम के ताल्लुक से वाकिफ करवाया गया. इस प्रोग्राम के मद्देनज़र देहात के अखलाती कमेटी की जानिब से हॉस्पिटल इंतजामिया के शानदार पैमाने पर तहनियत अमल में लाई गई. इस प्रोग्राम में शैलजा हॉस्पिटल के तिब्बी अमला महमूद देहात के अखलाती कमेटी के सदर जावेद मौलाना फेरोज तिब्बी अमला व मुकामी अवाम ने शिरकत की. दरपली मंडल के निज़ामाबाद रूरल हल्के में होने वाले तरक्की से मुतासर होकर दीगर कायदी ने ZPTC बाजरेट जगनमोहन की क्यादत में बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल. दरपली मंडल में बीआरएस की तरक्की से मुतासर होकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 50 कायदीन के अलावा दुबाका के नौजवान दरपली ZPTC मेंबर बाजरेटी जगनमोहन के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल के. इस मौके पर इन्होंने कहा कि सीएम KCR की क्यादत व रूरल हल्के के रुकन असेंबली बाजरेटी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी के सबब दरपली मंडल में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए. हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा फलाही स्कीमात के समरात को तमाम तबकात के अवाम तक पहुँचाने का इजहार के. इस प्रोग्राम में MPP नलासारी खान हनुमंत रेड्डी दरपली सरपंच चारमर पेद्दा बालराज सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी और दिगर ने शिरकत की. परगेड़ता बाजरेड्डी गोवर्धन गार चाल मंद युवक आये वे उदी वीर गमन दयचे सारी मेजारटी तो गेलिस्ते राबो रोज मैं मंत्री एंकं गतम आरटीसी चैर्मन ऐसी चाल मंद पेद आरटीसी ड्रैवर् कंडक्टर् आरटीसी उद्योग ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా మార్చి దాన్ని ఒక మంచి అంటే మంచి పేరు సంపాదించుకున్నటువంటి నాయకుడు ఈ రోజు మళ్ళీ పెద్ద మెజారిటీతో గెలుస్తే మంత్రిగా కూడా అవుతాడు. ఇఖ్తితామ్ సే ఖబర్ నజర్ డాల్తే ఆజ్ కే హమ్ సుర్ఖియో పర్ వన్నీ మండల్ కి సిద్దాపూర్ భూమిని గుట్టా తాండా పైటిమల్ దేహాత్మీ నే ఖాస్ అమల్ మే లాయే గే ఇంతిఖాబీ ముహిమ్ మే అసెంబ్లీ స్పీకర్ మోచరామ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి నే కీ శిర్కత్. कांग्रेस के बनावटी बातों में आकर धोखा ना खाए वेलपुर मंडल के बचला नड़कुड़ा कुट्टापल्ली देहात में इंतखाबी मुहिम का बालकुंडा लखे के मेले उम्मीदवार रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया आगाज. मंडल से मुतालिका देहात में दरपेश मसाइल को यकीनी तौर पर हल करेंगे. आर्मी में मुख्तलिफ बिरादरी तबके से वाबस्ता संगमों के अराकीन ने MLA जीवन रेड्डी से की मुलाकात. शहर निज़ामाबाद में होने वाली तरक्की का मुशाहदा कर अवाम वोट दे. शहर के विनायक नगर के एक फंक्शन हॉल में मुनाकिदा मुनुरका व खसूसी मुलाकात प्रोग्राम से अर्बन हल्के के मेले उम्मीदवार बीकाला गणेश गुप्ता का खिताब. खवातीन तहफात को फिलपुर रूपे अमल में लाने के लिए भारत जागृति की जानब से फिर दोबारा जद्दोजहद करने का MLC के कविता ने किया इजहार. आज के लिए फिलहाल इतना ही. इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे. दे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.